अच्छा डॉक्टर, अच्छा प्रशासक, और अगर वो मनुष्य नहीं है तो क्या करेगा? आपको पता है क्या हो रहा है, क्योंकि मनुष्यता के सूत्र ध्यान में ही नहीं। आप ही लोग, कई लोग इसके सताए हुए होंगे कि डॉक्टर टेस्ट कराने में इतना खर्च करा देता है तो उपचार के लिए बचता ही नहीं जेब में पैसा, क्योंकि जब वो लिखता है तो जिस लेकर जाता है उस पैथोलॉजी पे से उसका तो शेयर पहुंच जाता है चुपचाप चेक के रूप में। उसे मरीज से मतलब नहीं है, इंसानियत से मतलब नहीं है, काय से मतलब है, अपनी खुदगर्जी से, अपनी मनमर्जी से। और प्रशासनिक अधिकारी ये सारे जारी चल रहे हैं, जो घोटाले चल रहे हैं, कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं करता। बेवकूफ़ आदमी क्या करेगा घोटाले स्कैंडल से? वो तो बड़े तेज दिमाग के लोग होते हैं, सारा तंत्र एक तरफ हो, वो चार आदमी एक तरफ, इतना तेज दिमाग होता है। लेकिन फिर ये तेजी कहाँ लग रही है? मनुष्यता के लिए समस्या पैदा कर, ये सारा कुछ वहीं होता जाएगा। तो पहली बात है ये हमारा, हाँ जैसे कहते तो हैं हमारा देश सबसे नौजवान देश, लेकिन हर नौजवान के सामने एक अच्छा लक्ष्य होना चाहिए। आप किस धर्म से संबंधित हैं, आप किस संप्रदाय से संबंधित हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, किस भाषा को मानते हैं, किस गुरु को मानते हैं, कोई मतलब नहीं, उसका कोई बहुत मायने नहीं है। सूरज किसी से क्षेत्र पूछ के नहीं आता, जाति पूछ करके प्रकाश नहीं देता, अमीर गरीब देख के प्रकाश नहीं देता, वो तो दे देता है। सूर्य के हिसाब से समझदार भगवान वो है जो सूर्य की ऊर्जा का ठीक उपयोग कर लेता है, और जिसको हम भगवान कहते हैं वो बहुत अभागा है, उसे सूर्य से संपर्क ही नहीं होता, एयर कंडीशन घर में रहता है, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठता है या कर्शा होटल में बैठता है, प्रकृति से संपर्क नहीं आता और भीतर रोग ही रोग भरे रहते हैं। अभागा है प्रकृति के निगाह, प्रकृति ने सब कुछ दिया उसे, लेकिन ये मूर्ख, ये कंगाल, अकल का कंगाल, प्रकृति के दिए अनुदानों को अपने भले के लिए, अरे दुनिया को छोड़ अपने भले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप कह रही है आरोग्य का सुख उसी को मिल रहा है जो प्रकृति के साथ दो चार हाथ करता है, कहीं पार्क में घूमने जाता है, बता रहा हूँ। तो वहाँ बात यह है कि आप जो बड़े बड़े लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और एक निवेदन मैं कर रहा हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि वास्तव में हम राष्ट्रवादी हों, क्योंकि आचार्य जी का एक सूत्र देता हूँ, हमारे लोगों तो त्याग की, बलिदान की, कुर्बानी की बात करते हैं, ठीक है कर लो कुर्बानी की बात कर लो, अरे कुर्बानी क्या करोगे यार? हम बताते हैं, गुरुदेव कुमार कहने लगे साहब, इसमें दिखाया था दधीच का, उन्हें हड्डियाँ दे दी, वहाँ सा बड़ा कमाल किया। गुरुदेव कुमार कहने लगे कि कोल्हू का बैल, वो अंत में हड्डियाँ तो देता ही है, जिंदगी भर कोल्हू खींचता है, तो अब कोल्हू के बैल का त्याग ज्यादा है कि दधीच का त्याग है? उसने कहा जिंदगी भर किसी का कोल्हू तो नहीं चलाया, सिर्फ हड्डियाँ दे दी, और कोल्हू का बैल तो जिंदगी भर कोल्हू भी चलाता है, आँख में पट्टी बांध के ये भी नहीं देखता कि मैं कहाँ हूँ, घूमता रहता है, उसका लाभ दूसरे लेते रहते हैं, और अंत में हड्डियाँ भी दे देता है, बहुत बड़ा त्यागी है वो त्यागी, चाय की बात। अरे साहब मैं समाज सेवी हूँ और मैं 5% लोग हित में लगा देता हूँ, अरे त्याग देखना है तो शराबी के देखो, वो अपनी 60% अपनी शराब पे चढ़ा देता है, अपने अपने परिवार का अभाव देख करके, अपनी पत्नी के आंसू देख करके, अपने बच्चों की मुसीबत देख करके भी वो अपने त्याग से नहीं छूटता। तो त्याग कहोगे से? ये सनक है, जब सही उद्देश्य में होता है तो त्याग होता है, और गलत उद्देश्य में होती है सनक होती है, त्यागी बनना सनकी नहीं। हमें निकालना है तो काहे के लिए, तो ज़्यादा कुछ त्यागी तपस्वी बनने की जरूरत नहीं, बस अगर एक अभ्यास आपने कर लिया, हम भारतीय हैं और हम किसी का हक नहीं मारना चाहते, तो प्रतिभा आपकी चाहे जितनी हो, हम औसत भारतीय की सुविधाओं में ही संतोष करेंगे और गौरव अनुभव करेंगे। औसत भारतीय की बात कर रहा हूँ, खाना सबको मिल रहा है, निवास सबको मिल रहा है, शरीर सबके ढक रहे हैं,
किसी को वस्त्र उतार करके त्याग करने की, किसी घर छोड़ के जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। वो तो और भी ज्यादा भटके हुए, कैसी बात नहीं कहते। लेकिन इतना फर्क है लोग कि भारत में अगर प्रगति होगी तो हर भारतीय की होगी। गांधी जी हर चीज करते, वो एक दृष्टि अलग होती है। विनोबा जी को आपको पता होगा, पेट में अल्सर होते हुए पूरे देश में भूदान यात्रा की। इस आदमी ने पेट में अल्सर था, इसलिए उनको सॉलिड डाइट कम देते थे, दूध दही जैसी चीज़ें ज़्यादा देते थे, उसे चल रहे थे। एक बार विनोबा कहने लगे, हम सब चोर हैं। विनोबा, संत विनोबा, जो लोगों की जमीन, किस लोग दो दो हाथ जमीन के लिए भाई 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 लड़ पड़ते हैं और उसमें सैकड़ों बीघे जमीन लोगों को लेके बांट दी, और वो चोर है। लेकिन ये इसको आत्मदर्शन की पढ़ता था। विनोबा का हम चोर हैं, क्योंकि विनोबा ने ये पढ़ा उन दिनों कि भारत में जितना दूध होता है उसके हिसाब से हर एक को 3 छटाक दूध मिलेगा। मनसेर छटाक चलता था, जब 3 छटाक दूध मिल सकता है, और वो 3 पाव लेते थे उसकी वजह से। तो उन्होंने कहा, कैसे भी ले रहा हूँ मैं बाकी उससे 4 गुना जितना परमिट करता था, 3 छटाक और 3 पाव, 4 का अंतर होता है। उन्होंने कहा, मैं 3 लोगों का हक का दूध मार रहा हूँ। इसलिए विनोबा कहता, मैं चोर, हम सब चोर, हम सब ये कर रहे हैं। अरे सा, हमने पैसे से लिया, क्षमा करिएगा, अपनों से अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने अगर पैसे की ताकत से ले लिया तो मैं भला आदमी हूँ, लिया तो दूसरे ही का हक है, क्यों? और इन्होंने अपनी अकल की मार से ले लिया, काम कराना है तो इतना दे जा, इनका प्रभाव है, इनने अपनी अकल से ले लिया, हमारा जायज है। तो भैया, जो डंडे की ताकत जिसके पास है वो डंडे से लेता, वो क्यों गलत है, सो बताओ। हमारे पास धन की ताकत है, इनके पास अकल की ताकत है, उसके पास डंडे की ताकत है। अगर हम अपनी अकल की ताकत से छीनते हैं और ठीक है, ये अपने धन की ताकत से छीनते हैं तो ठीक है, तो डंडे की ताकत से छीनने वाला क्यों? तो अब बुंदेलखंड क्षेत्र में हम थे, तो राहजनी वाले आ गए, गाड़ी बैलगाड़ी रोक दी, डंडे लिए थे, तो अंदर बैठे थे, समझदार थे, बोले भैया झगड़ा झगड़ा मत करो, मारपीट मत करना, हम देते हैं सो दे दो। बोले मारपीट ना करें, हम हराम की नहीं खाते, 4 डंडे जरूर मारेंगे, तुम्हें हिम्मत हो तो निकल जाओ, हराम की नहीं खाते हम, ये पैसा दे के हराम की नहीं खाते, हम अकल दे के हराम नहीं खाते, वो डंडा मार के हराम की नहीं खाता, मेहनत करे तो क्या बात, सब छीन रहे। अगर एक अच्छा मनुष्य बनना है, आप कहेंगे मेरी प्रतिभा का क्या होगा, भैया एक ध्यान रखना चाहिए, प्रतिभा आपकी है काय के लिए, सुविधा बटोरने के लिए, कि काम करने के लिए? आपके पास प्रतिभा तो काम करिए ना राष्ट्र का को। अरे साहब, काम हम बहुत कर रहे हैं, सुविधा थोड़ी ले। चलो एक फॉर्मूला दे देता हूँ, हाउ डू यू कैलकुलेट टोटल एफिशिएंसी। एक मशीन है, एक फैक्ट्री है, या कोई कार है, आप एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसने कितना इनपुट लिया और कितना आउटपुट दिया, इसी से होता है ना। अगर ऐसी मशीन देखे कि जो इनपुट बहुत लेती है और आउटपुट बहुत कम देती है, तो उसे कैसी मशीन कहेंगे? शानदार मशीन, बहुत सुविधाएं लेने वाली शानदार मशीन कहेंगे, रॉटन मशीन कहेंगे आप, बहुत इनपुट लेती है उतना ही आउटपुट देती है। अब आप देख लीजिए, हम सुविधाएं खूब लेते हैं और आउटपुट सीमित देते हैं, तो हम तो रॉटन मशीन हो। ट्राई टू क्रिएट यूर सेल्फ ए वेरी हाईली एफिशिएंट मशीन, जो गांधी की थी, जो विनोबा की थी, जो आचार्यों की हमारे यहाँ हुआ करती थी, थोड़े से उसमें इनपुट में जिंदगी भर चलती रहती थी। तो आप आपके पास प्रतिभा है तो पहला काम ये करो कि अपने आप को टेम्पर इस तरह से करो, ट्यून इस तरह से करो कि आप हाई एफिशिएंसी मशीन बन जाए, और उसके लिए अपनी पीठ ठोको और सारे ने कह देखो आदमी हो तो ऐसा हो, गौरव सुनने में गौरव अनुभव करते हो, कहने में गौरव अनुभव। देखिए बात सब बदल जाती है। मैं निवेदन आपसे कर रहा था, अगर ये हो जाए, कहीं कुछ नहीं है, एक
संत थे, फिलोसोफर भी थे अच्छे, और एक डॉक्टर पहुँचे। वैसा हमारे पास, हम चाहते हैं लोगों का कल्याण करें। दो तरह के मरीज आते हैं। कौन आते हैं? एक का पेट खराब है और एक कुपोषण का शिकार है। एक का पेट खराब है और एक कुपोषण का शिकार है। तो वो संत मुस्कुराए, बोले बहुत आसान है क्या? बोले दोनों का खाना बदल दो। जिसको कुपोषण है वो उसको दे दो अमीर को, उसका पेट ठीक हो जाएगा, और जो वो खाता है उसको दे दो, उसका कुपोषण दूर हो जाएगा। मैं कैसे करूँ? तो वो बकूफ बने रहो। छोटा सा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, कर सकते हो। तो बेवकूफों में गिनती लगवाओ, तुम दुनिया में कुछ भी कहते रहो, भगवान के यहाँ बेवकूफों में गिनती लिखी जाए, है ना? ऐसे ही है। वो अकबर बीरबल के बहुत किस्से होते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों साहब, यहाँ मूर्ख भी होते हैं? बोले हाँ। बोले ऐसा है तो अच्छा, तुम 5 अच्छे ज़बरदस्त मूर्ख ढूंढ करके लाओ, पूरी बात नहीं करूँगा। तो तमाम खोजते फिरे, 3 मूर्ख बन गए। एक ऐसा जो छाया में खोद रहा था, एक बादल की छाया में, वगैरह वगैरह, उसको नहीं जाते। उन्होंने कहा 3 हुए, और 2 कहाँ हैं? बोले अपराध अगर क्षमा हो तो बोलूँ। बोले हाँ। बोले 2 मूर्ख हैं, एक हम और एक आप। बोले क्यों? अपने राज्य की सुविधाएं बढ़ाने की जगह मूर्खों को खोजते फिर रहे। तो मूर्ख हुए कि नहीं? अरे राष्ट्र की सुविधाएं बढ़ाने की जगह हम उनको श्रेय देते हैं जो राष्ट्र की सुविधाएं लूटते हैं। वो बड़ा आदमी कहलाता, वो प्रभावशाली आदमी कहलाता। परिभाषा बदलनी होगी। आप लोगों को इसे कहूंगा, हमारा युग निर्माण सत्संकल सबको मारते। इसमें 18 सूत्र हैं। उसमें एक सूत्र है मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी, उसकी सफलताओं, योग्यताओं, विभूतियों को नहीं। सफल तो रावण भी था, सफल तो चंगेज खां भी था, उन्हें कोई महान नहीं गिनता। मनुष्य के मूल्यांकन की उसकी सफलताओं, योग्यताओं, विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को माने। अब बात बदल जाए, वही सम्मान पाएंगे, उन्हीं के लोग पीछे चलेंगे। और मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो ये कहते हैं आप झांसी की रानी का सम्मान करते हैं? करते हैं। उसका क्या संकल्प था? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी छोड़ना पड़ी उसे, असफल हो गई। असफल हो गई, झांसी तो नहीं संभाल पाई। और फिर ग्वालियर किला जीत लिया था, वो भी नहीं बच पाया। तो अब कहो लक्ष्मी राय भाई हाय हाय, क्यों सफल नहीं हुई? लेकिन आप तो लक्ष्मी बाई की जय बोलते हैं उसके आगे। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? आजाद हिंद फौज बना करके लाल किले पर झंडा फहराऊंगा। पहुंच पाए म्यांमार की सीमा में, आगे बढ़ते ही वहीं से वो जापानी धोखा दे गए और रह गए। तो बोलिए आप, सुभाष चंद्र बोस हाय हाय नहीं बोलेंगे ना भाई? यही तो है, योग्यताओं सफलताओं से नहीं। हम अपनी सफलता आंकते हैं इवेंट्स से, इवेंट सफल हुआ कि नहीं। और उनने अपनी सफलता ना की जीवन से, उनका जीवन सफल हुआ, हमारा इवेंट सफल होता है, हम समझ लेते हैं, बस यही गड़बड़ हो जाती है। आप कह सकते हैं लक्ष्मी बाई का जीवन सफल है, आप कहते हैं भगत सिंह का जीवन सफल है, आप कहते हैं सुभाष चंद्र बोस का जीवन सफल है। जीवन सफल बनाने की सोचो, इवेंट्स तो आते जाते रहते हैं। निवेदन कर रहा था युवाओं में ये बात उठना चाहिए, बड़े आदमी बनने का जज्बा अच्छी बात है, लेकिन अच्छे आदमी बनने का जज्बा और भी अच्छी बात। अगर अच्छे आदमी नहीं रहे तो बुरे आदमी में आ जाओगे, और जितनी शक्ति बढ़ेगी उससे बुराई फैलने वाली है, और अच्छे आदमी जितने बड़े पद पे आए उससे अच्छाई फैलने वाली है। तो बड़े आदमी बनने का जज्बा कोई कुछ नहीं, अच्छे आदमी जरूर बनना, यही जागरूकता लानी। हम सारी दुनिया को चुनौती दे सकते हैं आज अपने युवा शक्ति के ऊपर। हमसे किसी ने कहा साहब ये बाहर के लोग ले जाते हैं हमारी चुनी हुई प्रतिभाओं को, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमने कहा वहाँ इतना ब्रेन चला गया, हमारे यहाँ ब्रेन की कमी पड़ी क्या? वो बेचारे भुक्कड़ हैं, अपना काम चला रहे हैं, ले जाने दो, हम तो सारी दुनिया की पूर्ति कर देंगे हमारी नौजवान शक्ति अगर हो जाए। लेकिन ये बात है एक अच्छे आदमी बनने की बात, और अच्छे आदमी बनने की बात है। अब एक बात कह के बात समाप्त करूँगा। क्रिकेट में तो भारत अच्छा जा रहा है, टेस्ट में भी 1 नंबर पे आ गया और वनडे में भी आ गया करीब करीब है, लेकिन हॉकी में कभी टॉप पे था और हॉकी में नीचे आ गया। अब हम चाहते हैं कि राष्ट्र की सेवा करें
और हॉकी में फिर वैसा हो जाए जैसा ध्यानचंद के समय में था। कोई बुरी बात है ना कि अच्छी बात है? छोड़ते तो अच्छी बात है। अब हम कहते हैं कि हमें भेज दो और हम ध्यानचंद का और रूप सिंह का फोटो लगा लें और सबकी स्थापना करवाएं और उसकी जय बोलें। ध्यानचंद जिंदाबाद, रूप सिंह जिंदाबाद, फलाने सिंह जिंदाबाद, जिनने जिनने टॉप किया है। हम अच्छे खिलाड़ी बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे। नहीं, हम उन्हीं जैसा खेलना चाहते हैं। हम तो जान की बाजी लगा दें, तुम जैसे 10 मर जाएं, हम जैसे 20 मर जाएं, तो अभी कुछ नहीं होने वाला। तो वहाँ तो स्टेमिना चाहिए ना, मर जाओगे से क्या होगा? उसके लिए काबिल बनो, उतना रियाज करो, उतना स्टेमिना, उतनी स्किल पैदा करो, तब बात बनेगी। तो हम चाहते हैं कि ये हो जाए, राष्ट्र आगे आ जाए, हो जाए, तो उसके लिए एक दिन में नहीं होगा, चाहने से नहीं होता, नियमित साधना से होता है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमें जब मौका मिलेगा तो अपनी शक्तियों का ठीक उपयोग करेंगे। जब हमें मिलेगा, जब हम कलेक्टर बन जाएंगे, जब हम मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, जब हम डॉक्टर बन जाएंगे, जब हम CMD बन जाएंगे, हमारे पास ताकत हो, उसका अच्छा उपयोग करेंगे। भैया, तुम्हारे पास जो आज साधन है, इनका अच्छा उपयोग शुरू कर दो। अगर अच्छे उपयोग की आदत नहीं रही तो यहाँ नहीं कर पाओगे, तो वहाँ भी नहीं कर पाओगे। बहुत सीधी बात, ये थोड़े से साधन का तुम्हें लोभ होता है, वहाँ तो बड़े बड़े साधन दिखाई देंगे। इन्हें कैसे छोड़ दें? परमार्थ में लगाने का अभ्यास ही नहीं है। ये सारा जो कर इसमें एक ही बात कहते हैं, अच्छी अभ्यास शुरू कर दो। अरे साहब, ये आदत क्यों खराब हो गई? बात तो हम समझते हैं अध्याय जी, बात तो हम समझते हैं, लेकिन क्या करें, वो जीव नहीं मानती है ना। अरे इतना देर इंटरनेट पर, उस पर क्यों बैठे रहते, कंप्यूटर पे? आप समझते हैं हमें टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन आँख नहीं मानती। तो तुम्हारी आँख कौन है? तुम्हारी बॉस लगती है, तुम्हारी चाची लगती है, हैं जीव कौन लगती है? तुम्हारी ताई है। अरे तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स हैं, ये कहो कि हमारे सबॉर्डिनेट्स हमारे काबू में नहीं है।